हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपको मेरे चैनल पे, और आप लोग बने रहिए मेरे चैनल को, पूरा ब्लॉग वॉच करके जाया करो यार। मेरे ब्लॉग आप लोग वॉच नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, पूरे ब्लॉग वॉच करके जाया करो। और मैं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी रेडी क्यों, तो मैं रेडी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आज पहन थी रील, और आज है जन्माष्टमी। तो सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो इसीलिए मैं इतनी रेडी हूँ और मैं रील्स बना के आ रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जाइए, मेरे इंस्टा पे भी देख सकते हैं मुझे, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट प्लीज़ करिए। मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने, और आप लोगों को भी दिखाने जा रही हूँ कि हम लोग पूजा कैसे करते हैं। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए और पूरी वीडियो वॉच करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये हो रही है हमारे कान्हा जी की पूजा। ये तो शाम की पूजा है, हमने सुबह पूजा की थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, काफ़ी बिजी था यार सुबह मॉर्निंग का, और कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा शाम की पूजा रिकॉर्ड कर लें और आप लोगों से शेयर कर दें। ये कान्हा जी को स्नान करवाया है, पहले गंगा जल से स्नान करवाया था, एंड उसके बाद आप लोग देखिए कैसे कैसे स्नान करवाया है। ये शहद, दूध, दही, सारी चीज़ों से हम पहले स्नान कराते हैं कान्हा जी को, और उसके बाद फिर जो भी होगा जैसे भी, वो आप लोग आगे देखना कैसे कैसे क्या क्या किया है हम लोगों ने, और आप लोग कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, वो आप लोग ज़रूर बताना। और ये दही से स्नान करवाने कान्हा जी को, क्योंकि ऑफ कोर्स कान्हा जी का बर्थडे था, तो उस दिन कान्हा जी का स्पेशल डे था। तो और आप लोगों ने कैसे कैसे पूजा की वो भी आप लोग शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग किस तरीके से, क्या मैंने जैसे कि आप लोग भी वैसे ही करते हैं, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताना। कि हमने स्नान करा दिया कान्हा जी को, अब इनको अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि स्नान करने के बाद जैसे हम लोग अपने आप को साफ़ करते हैं, ड्राई करते हैं, वैसे हम कान्हा जी को भी करेंगे, और उसके बाद हम उनके देखते जाओ क्या क्या करने वाले हैं, और उनको अच्छे से सजाएंगे, ड्रेस पहनाएंगे, और आप लोग देखना क्या करने वाले हैं। अब हम लोग ये सारे वो कान्हा जी की ड्रेसेस हैं, और अब हम ड्रेसेस पहनाएंगे कान्हा जी को। यहाँ पे हमने कान्हा जी को अपने सजा दिया है, पहना दिए पूरे, स्नान वगैरह करा के कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह पहना दिए, और ये मैं कर रही थी पूजा, पूजा वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इतनी रेडी होगी पूजा क्यों कर रही हूँ, तो मैं रील्स बना के आई थी और तभी मैंने पूजा करी थी, मतलब रील्स बना के आई थी, फिर शाम ही हो गई थी, फिर पूजा का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा था पूजा भी कर लेते हैं। हम आ गए हैं मंदिर, और ये मंदिर हम आ गए हैं, यहाँ पे हम थोड़ा दर्शन करने आए थे, रात को सुबह भी आए थे और रात को भी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, अंदर डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी हो रही थी, मंदिर भी बहुत अच्छे से सजाया था, बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ सारी लेडीज थे, यहाँ पे डांस कर रही थी, भजन वगैरह हो रहा था, और काफ़ी सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे आरती वगैरह भी कभी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, भोग वगैरह भी लगाया था, आरती भी गई थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बाकी आप, पूजा हो गई है कंप्लीट, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की पूजा कैसी हुई, क्योंकि यार आज तो पूरा दिन इतना बिजी रहा, इतना बिजी कि बस पूछे ही मत, जाके पहले हम लोग मंदिर गए, फिर वहाँ से घर आए, फिर कोई आ गया, फिर उसमें लग गए,
फिर समझ ही नहीं आया, और एक तो फास्ट, ऊपर से इतना मेकअप क्रिएट किया, मेकअप फिर रील्स बनाए हम लोगों ने, तो मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग ब्लॉग, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जितना हो सकता है पॉसिबल उतना तो किया है। बट आप लोगों को देखते हैं, और आप लोगों के घर कैसे पूजा होती है प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आई सबके घर तो अच्छी पूजा होती है, सब लोग अच्छा ही करते हैं, बट सबका अपना अपना थॉट होता है, तरीका होता है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी कमेंट करिए कि आप लोग कैसे करते हैं और हम लोग कैसे करते हैं, हम उसमें देखेंगे कि हम लोग कुछ अलग करते हैं या हमसे कुछ मिस्टेक होती हैं या नहीं होती हैं, तो फिर हम लोग सीखते हैं इंसान एक दूसरे का देख के, और क्या है, और क्या ही बोल सकते हैं इसमें। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कि मेरा लुक कैसा लगा, और अच्छा लगा, बेस्ट लगा, तो मैं आगे और भी अच्छे अच्छे लुक अपने क्रिएट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, और लाइक कमेंट प्लीज़ करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मुझे और मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी कुछ कर सकूँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आ सकूँ।